हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, अस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमने फिनिश कर लिया है चैप्टर को जीवन की मौलिक इकाई, जो कि आपको एक टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है फिफ्थ चैप्टर में। तो बच्चों, इसको कवर अप करने के बाद, हर एक टॉपिक को टचअप करने के बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा, लग रहा होगा कि हाँ, हमने तो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, है ना। तो चलिए, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ कितना कुछ आपने सीखा है, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ, मैं आपकी हेल्प भी करूँगी बीच बीच में। और आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करके आपको खुद का असेसमेंट करना है कि आपने कितना कुछ सीखा है मैम से। जो भी मैम ने आपको इतने सारे वीडियोज़ अभी तक प्रोवाइड किए हैं, मैम की मेहनत को कितना सक्सेसफुल आप कर रहे हैं, ये जस्ट चेकआउट योर सेल्फ बच्चों। अब आपको पता चलेगा कि ये विज्ञान जो है कोई हवा सब्जेक्ट नहीं है, जैसा अभी तक दिमाग में बच्चों के बना रहता है। जैसे ही 8 क्रॉस करने के बाद 9th में आते हैं तो सब्जेक्ट्स जो होते हैं साइंस में 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो लगता है बाप रे, यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, कितना सारा कुछ पढ़ना है। हवा नहीं है, विज्ञान जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। अब जब हम किसी भी चैप्टर को अच्छे से टचअप करते हैं, उसके हर एक चीज़ों को बारीकियों से पढ़ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो किसी भी क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हैं। चाहे वो क्वेश्चंस कहीं से भी कोई भी पूछ दे तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आप आंसर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ तक मैं महसूस करती हूँ कि जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी मिलता है, आप उसको देखिए, बनाइए। नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू रिप्लाई कीजिए। अभी मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस जो लेके आई हूँ, चलिए आप उसको देखते हैं। सो लेट्स कम ऑन आवर स्क्रीन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका के अंगक को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे कोशिका के अंगक का मतलब क्या हुआ, जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं कोशिका में, है ना, उसी को अंगक कहते हैं। तो इसमें कौन सा होगा पावर हाउस? पावर हाउस किसे कहते हैं? जहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है ना। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसको आप ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा वो कोशिकांग है जहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसकी वजह से उसको पावर हाउस कहते हैं। जी बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा, निम्नलिखित में से एटीपी का पूरा नाम चुनो। यहाँ पर जो ये एटीपी है, जिसका प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने किया था, है ना, ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी वजह से उसको पावर हाउस कहा जा रहा है। तो ये एटीपी का पूछा जा रहा है कि फुल फॉर्म क्या होगा, जिसका प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऊर्जा का उत्पादन, है ना। तो ये आपका एटीपी का फुल फॉर्म जो होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस ध्यान से, कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? जी बिल्कुल सही, बी आंसर होगा आपका, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, रसधानी की झिल्ली का क्या नाम है? रसधानी को इंग्लिश में वैक्यूल्स भी कहते हैं, हमने पढ़ा है पहले। और जो इसका मेम्ब्रेन होगा, जो इसकी झिल्ली होगी, उसके लिए क्या नाम आता है? ध्यान से आप ऑप्शंस को देखें और इसका आंसर करें। बिल्कुल सही, टोनोप्लास्ट होगा। ऑप्शन इसमें आपका सी होगा, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आवश्यक है? ठीक है, कोशिका के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है, कौन सा अंगक है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप प्रकाश संश्लेषण, जो कि बताया गया है कि आगे भी आपको काफ़ी इसमें पढ़ने को मिलेगा, बताइए कि कौन सा कोशिका अंगक है जो मदद करता है प्रकाश संश्लेषण में। बिल्कुल सही, क्लोरोप्लास्ट आंसर होगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हरे रंग का कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है?
गाइज मैंने क्वेश्चन को आपको कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि प्रीवियस क्वेश्चन और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन दोनों में एक रिलेशन हो। अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग मदद करता है, तो वहाँ पे हमने देखा क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ऑर्गेनल्स जो होता है क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर क्लोरोफिल होती है। तो ये 4 और 5 क्वेश्चंस, और इसके पहले भी हमने देखा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस, मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि क्वेश्चंस के बीच में आपका कोरिलेशन बना रहे और ये क्वेश्चंस जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बने हुए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। तो आप बताइए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से क्लोरोप्लास्ट में मौजूद हरे रंग का कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस को और बताएंगे क्या आंसर होगा। यहाँ वेरी गुड, क्लोरोफिल होगा ए आंसर आपका, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? किसी भी ग्रोथ के होने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो कोशिका की वृद्धि के लिए कौन सा इसमें जिम्मेदार होगा, कौन कंट्रोल करता है कोशिका की वृद्धि को, ऑप्शंस देखेंगे। बिल्कुल अच्छे, सी आंसर होगा आपका, केंद्रक, ये कोशिका के ग्रोथ को उसकी वृद्धि को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती हैं, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में है ना, बहुत अच्छे। तो ये कोशिका भित्ति जो होती हैं वो कैसी होती हैं, अर्धपारगम्य होती है, पारगम्य होती हैं, चयनात्मक पारगम्य होती है, इनमें से सभी कौन सा आंसर होगा आपका। ध्यान करेंगे, सेल मेम्ब्रेन भी हमने पढ़ा, कोशिका झिल्ली है ना, वहाँ कोशिका झिल्ली के लिए सिलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य, यहाँ पर कौन सा होगा कोशिका भित्ति के लिए, बिल्कुल सही पारगम्य होगा, पारगम्य होती है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, ऑप्शंस देखेंगे। बहुत अच्छा, सी आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में गैस का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, जो एक्सचेंज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर। ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे, विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, इस तरह से आपका बी आंसर हो जाएगा। गाइस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम लोग पौधों की मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, जो रूट हेयर्स होती हैं उसके द्वारा कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करके जल का अवशोषण किया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बी आंसर होगा, वेरी गुड, परासरण प्रक्रिया द्वारा जड़ जो है जलों को अवशोषित करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपका, निम्नलिखित कोशिकांग में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं, आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग, कौन सी ऐसी कोशिकांग है जो कोशिका को मृत कर देती है, अगर वो कोशिकांग फट जाती है तो क्या होता है, कोशिका मर जाती है, खत्म हो जाती है। बहुत अच्छे, लाइसोसोम ए आंसर होगा आपका।
गाइज, इस क्वेश्चन को देख करके आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर रहे होंगे ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जो भी कंटेंट आपको मैंने इस चैप्टर में प्रोवाइड किया है, हर एक टॉपिक को मैंने टच किया है, तो मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आपको मैं किस हद तक सेटिस्फाई कर पा रही हूँ। और आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन चयनात्मक पारगम में झिल्ली है? सिलेक्टिवली परमिएबल बोलेंगे चयनात्मक पारगम में, ठीक है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम में झिल्ली, आप बताइए यहाँ पे आंसर देख करके कौन सा इसमें होगा। बहुत अच्छे, कोशिका झिल्ली सिलेक्टिव परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम में होती है। आते हैं अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं? केंद्रक कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रक के अंदर जो गाढ़ा द्रव्य होता है उस द्रव्य को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के अंदर जो गाढ़ा द्रव्य होता है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शंस को देखिए और फटाक से इसका आंसर बताइए। जी बहुत अच्छे, जो द्रव्य केंद्रक में पाया जाएगा उसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे, इस तरह से आपका आंसर सी, बहुत अच्छा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? आपको याद आ रहा है राइबोसोम कहाँ पे स्ट्रक्चर फाउंड होता है? साइटोप्लाज्म में तो होता ही है, लेकिन जो आपकी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, वहाँ पर भी ये होते हैं। और अंतःप्रद्रव्य जालिका आपका रफ भी होती है और स्मूथ भी होती है, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर ये एब्सेंट होगा तो क्या नहीं होगा। राइबोसोम क्या काम करता है, याद आ रहा है आपको कुछ? देखिए ऑप्शंस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, प्रोटीन संश्लेषण। अगर नहीं होगा राइबोसोम तो प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? राजधानी वैक्यूल्स, सबसे बड़ी वैक्यूल, सबसे बड़ी राजधानी कहाँ पाई जाती है? राजधानी के बारे में क्या मैंने आपको पढ़ाया है, राजधानी को वैक्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, है ना? तो सबसे बड़ी वैक्यूल, सबसे बड़ी राजधानी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस को देखिए, बहुत अच्छे, पादप कोशिकाओं में, बी आंसर हो जाएगा। इस तरह से गाइस हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस फिनिश किया, और इसके आगे भी लगातार जारी रहेगा हमारा इस तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन। चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।